इस टॉपिक पे जो भी वीडियोस है ना, तो आपको एक इस तरीके का चार्ट दिखा देते हैं कि ये आप जाके ऑडियंस का चार्ट देख लीजिए। और तो ये तो उनके लिए जिनकी ऑलरेडी ऑडियंस है, जिनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उनको ही ये चार्ट दिखेगा। लेकिन जिनके पास सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, जिनके पास ऑडियंस ही नहीं है, तो उनके पास तो ये चार्ट भी नहीं होगा, तो उनको किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैम हमें किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए और क्या इससे हमारे यूट्यूब की ग्रोथ पे कुछ असर पड़ता है। जी हाँ, वीडियो आपको किस टाइम पे अपलोड करनी है इससे आपके व्यूज़ पे, चैनल की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि वीडियो को आप किस टाइम पे पब्लिश कर रहे हैं। जी हाँ, वीडियो अपलोड करना एक बात है, वीडियो को पब्लिश करना, पब्लिक करना एक बात है। तो देखिए क्या होता है कि मैं भी अपनी वीडियो को जब मुझे टाइम लगता है, जब मैं एडिटिंग कर देती हूँ ना, तो उसको अपलोड करके छोड़ देती हूँ वीडियो यूट्यूब पे, अनलिस्ट या प्राइवेट में छोड़ देती हूँ। तो उसको पब्लिक मैं कब करती हूँ? मेरा तो एक स्पेसिफिक टाइम बना हुआ है, या तो मैं दोपहर में करती हूँ 2 बजे से 1 बजे से लेके 3 बजे तक, फिर मैं 3 बजे के बाद अपलोड नहीं करती, उसके बाद मैं शाम को फिर 6 या 7 बजे अपलोड करती हूँ। अगर दोपहर का मेरा मिस हो जाता है तो मैं शाम के टाइम 7 बजे के टाइम वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो 2 ही टाइम मैंने रखे हुए हैं यहाँ वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो अपने ही चैनल के रेफरेंस देके मैं आपको समझाती हूँ कि आपको किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। मेरे पास तो सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे पास, मुझे पता है कि किस टाइम पे मेरी ऑडियंस होती है। तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक पे जो भी वीडियोस है ना, तो आपको एक इस तरीके का चार्ट दिखा देते हैं कि ये आप जाके ऑडियंस का चार्ट देख लीजिए, और यहाँ पे जो सबसे आपको गहरा डार्क डार्क निशान दिख रहा है ना, इस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे आप वीडियो अपलोड कीजिए, तो आपकी यूट्यूब पे वीडियो बिल्कुल एकदम से वायरल हो जाएगी। तो ये तो उनके लिए जिनकी ऑलरेडी ऑडियंस है, जिनके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उनको ही ये चार्ट दिखेगा। लेकिन जिनके पास सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, जिनके पास ऑडियंस ही नहीं है, तो उनके पास तो ये चार्ट भी नहीं होगा, तो उनको किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि किस टाइम पे आपको अपलोड करनी चाहिए। तो पहले मैं रेफरेंस देती हूँ अपने चैनल का, तो इससे आपको एक छोटी सी चीज समझ आ जाएगी कि आपको वीडियो किस हिसाब से, किस टाइम पे अपलोड करनी है। तो देखिए, मेरी है स्टिचिंग की वीडियो। अब आपकी ऑडियंस ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी वीडियो देखने वाली ऑडियंस कौन है। वो बच्चे हैं, बड़े हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या जॉब पे जाने वाले हैं? कि आप जो वीडियो बना रहे हो उन्हें कौन देखेगा, उसकी ऑडियंस क्या है। अब देखिए, मैं आपको अपने चैनल के रेफरेंस से बताती हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि आपको किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी है। तो जो मैं हूँ, मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ 1 बजे से लेके 3 बजे तक। अगर मैं इस टाइम पे अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, तो फिर मैं बीच वाले टाइम में वीडियो अपलोड नहीं करती। मैं वीडियो कब अपलोड करती हूँ, फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ 7 बजे। देखिए, मेरी जो ऑडियंस है, मेरी स्टिचिंग से रिलेटेड है, तो मेरी जो वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर, वो देखती है लेडीज़, और लेडीज़ का सुबह 11-12 बजे से पहले काम ख़त्म नहीं होता, तो मैं 1 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ कि उनके पास थोड़ा सा टाइम हो और वो मेरी वीडियोस को देख पाएँ। और फिर उसके बाद क्या होता है, 3-3.5 बजे के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने लग जाती है लेडीज़, तो उस टाइम पे फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। फिर मैं करती हूँ शाम के टाइम पे, 7, 7:30, 8 बजे के टाइम पे, जब उनके पास थोड़ा टाइम हो। 7 बजे से लेके 11 बजे तक उनके ये 4-5 घंटे होते हैं कि जिस टाइम पे मैं वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, 7 बजे, 7:30, 6 बजे इस टाइप से अपलोड करती हूँ कि उस टाइम पे मेरी ऑडियंस और लेडीज थोड़ी बीच बीच में जो जो फ्री होते रहेंगे, वो मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। तो मैंने ये 2 टाइमिंग रखे हुए हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा स्टिचिंग का चैनल है। तो आपको भी ये तय करना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो आप सुबह मॉर्निंग में अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम वो स्कूल कॉलेज वगैरह स्टूडेंट्स जाते हैं, तो आप उस टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे तो कोई होगा ही नहीं, तो कौन आपकी वीडियो को देखेगा। तो वो वीडियो आप शाम के टाइम पे अपलोड कर सकते हैं, 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपको टाइमिंग डिसाइड करना है ना, वो आपको अपनी ऑडियंस देख के करना है कि आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, उसे देखने वाली ऑडियंस कैसी है। अगर वो ज़्यादातर जॉब्स पे जाने वाले हैं, एंटरटेनमेंट के बना रहे हैं, तो सुबह से लेके शाम तक तो ज़्यादातर लोग ऑफिस में ही होते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, तो विजिबिलिटी कम होती है। 7 बजे के बाद यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, तो 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो उसका
यूट्यूब पे ग्रो होने का, ज्यादा व्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ना छोटी सी चीज है टाइमिंग डिसाइड करने की। एक बार आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपका इस टाइम पे वीडियो चढ़ानी है, इस टाइम पे वायरल होती है आपकी वीडियो, तो आप फिर वही टाइमिंग रख सकते हैं और उसी टाइमिंग पे डेली अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और जब आपका सब्सक्राइबर का बेस बन जाएगा फिर तो आपको पता ही होगा आपके सब्सक्राइबर को कि इनकी वीडियो इस टाइम पे इतने बजे आती है। या एक बार ग्रो होने के बाद तो फिर आप किसी भी टाइम पे वीडियो चढ़ा लीजिए, वो ज्यादातर टाइमिंग ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन शुरू शुरू में ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम पे वीडियो चढ़ा रहे हैं। जिस टाइम पे वीडियो चढ़ा रहे हैं यूट्यूब उसको एकदम से आगे रिकमेंड करता है, एकदम से आगे भेजता है, तो उस टाइम पे चढ़ाइए जब उस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारी आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे उस टाइम अवेलेबल हो, तो आपके वीडियो के ग्रो होने के, चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी चीज़ थी, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कोई भी आपका यूट्यूब से रिलेटेड कमेंट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में, इंस्टा में, फेसबुक में, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। तो आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।